इस रास्ते आते जाते पूरे रास्ते में ना सबसे गंदी जगह ये वाली है, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ सीन हुआ हुआ है। अब शिट, यहाँ पे भाई प्रेस क्लब में कोई मसला है, पता नहीं क्या मसला है, पुलिस बहुत ज़्यादा जमा हुई है यहाँ पे, 35 से भी तेज चल रहे हैं। ओ भाई, देख रहे हो भाई का लीन स्कूटी पे, मैं बाइक पे लीन करने से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होने चाहिए। तो आज की व्लॉग की शुरुआत और ये कुछ इस तरह की लोकेशन पे, ये देख पा रहे होंगे आप, ये लोकेशन आज मेरे व्लॉग में पहली बार आ रही होगी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कॉलेज और आज मैं कुछ अलग ही दिखाना चाहता हूँ आपको। तो चलिए करते हैं व्लॉग को शुरू और बाकी बातें करते हैं रास्ते में, लेट्स गो। तो आज मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से, और ये रास्ता थोड़ा अलग है, थोड़ा लॉन्ग रूट है, पर इस रास्ते से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरे साथ। आज मैं लगभग भी, मुझे जहाँ तक याद है, मैं एक साल के बाद इस रोड से आ रहा हूँ। बहुत पिछले साल आया था तो उसके बाद आज आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया यार मैं इस रोड पे नहीं आया हूँ। और ये रोड कौन सी है, ये सिटी ही जाती है पर ये बाय मांडा जू वाले से होके जाती है। तो यहाँ से यादें क्या हैं, यादें ये हैं, पहले आप यहाँ से देखें कि रोड की क्या हालत हुई है। कि मैंने स्कूल का टाइम जो गुजारा है सिटी में, वो मैं इसी रास्ते से गया हूँ, और मेटाडोर में जाते थे तो तब, मतलब तब क्या कि अभी भी मुझे जो ये रोड है ना, मोड़, एक एक मोड़ याद हो गया था, क्योंकि रोज़ का आना जाना होता था इस रोड से। तो एक अलग सी वाइब आ रही है आज, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आ रहे हैं इस रोड से, क्योंकि यार जो स्कूल के दिन है वो चाहे आपके कैसे भी गुजरे हो ना, पर वो आप नहीं भूल सकते, और वो बहुत सारे बहुत ही यादें जुड़ी होती हैं स्कूल के दिनों के साथ। काफ़ी ज़्यादा यार मज़ा आता था स्कूल टाइम में। कॉलेज टाइम में मुझे सीरियसली अगर बताऊँ तो मुझे नहीं यार, कॉलेज लाइफ उतनी सही नहीं लगी मुझे। इस रास्ते आते जाते पूरे रास्ते में ना सबसे गंदी जगह ये वाली है, और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ सीन हुआ हुआ है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने हुआ कि ये देख रहे हो, ये मतलब यहाँ पे जब बारिश आती है ना, बरसात, तो ये पूरा मतलब जो पत्थर हैं सारे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है भाई, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से नीचे खाई भी बड़ी ख़तरनाक सी है, और वो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये है हरी पैलेस। इस पर भी मैंने एक अलहदा से व्लॉग बनाया हुआ है, पूरा कंप्लीट इसका बताया हुआ है कि कब बना था, क्या सिस्टम है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुँचे हैं मांडा भाई, मांडा जगह का नाम है, यहाँ पे मांडा ज़ू भी है। बस वाले भाई साहब को पता नहीं क्या कहा भाई, ये रुका हुआ भाई रास्ते में, आज तो मुझे पता ही नहीं चला इस रास्ते का, वरना मैं इस रास्ते आते हूँ जब मैं मोड़ गिन गिन के आता हूँ कि भाई अब चौथा मोड़ है, पाँचवा है, छःवा है, सातवा है, मतलब ऐसे कर करके मैं पहुँचा करता था स्कूल या स्कूल से सर, क्योंकि यार मोड़ में ना बहुत ज़्यादा तंग हुआ करता था मैं, बहुत ज़्यादा। और मैं आज आपको जम्मू की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ, और वो ये देख सकते हैं आप, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई ये दीवारों पे तस्वीरें हैं, इतनी खूबसूरत हैं और इतने प्यार से बनाई हुई, ये देखें भाई, ये तो मुझे सबसे सही लग रही है। तो ये एक चीज़ ना, मतलब आपको सुकून देने वाली, जम्मू सिटी में हो के आपको ऐसी देखो तस्वीरें मिलेंगी, ये आपको सुकून देने वाली हैं। और रात के टाइम यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह हुई होती है, बहुत खूबसूरत लगता है यार। स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहला कदम मुझे लगता है यही है शायद। तो यहाँ से भाई आप देख सकते हैं विक्रम चौक के पुल के नज़ारे, और लास्ट जो मैंने वो रेड सिग्नल वाली स्कीम बताई थी, तो बंदे बोल रहे थे कि बहुत अच्छी स्कीम है, और भी कोई स्कीमें दिखाओ हमें, कोई नहीं दिखाते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे आप सबके लिए। तो यहाँ पर भाई साहब मुझे मिल गया है एक NSL, भाई बड़ा ही तेज़ चल रहा है भाई, बहुत ही ख़तरनाक। ओ भाई लगता है, ओ भाई साहब कट देख रहे बंदे के, अब इस रोड की बहुत बुरी हालत है यार, बहुत ही ज्यादा। ओ शिट 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 शिट, पीछे काम कर गया था टाटा सफारी वाला, पर बच गया यार। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम कॉलेज, और आज हमें कॉलेज में थोड़े से ज़्यादा ही बच्चे लग रहे हैं, अब पता नहीं मसला क्या है भाई।
फ़िलहाल कॉलेज से तो आ गया हूँ वापस, पर पिछले लगभग भी 15-20 मिनट से मैं थोड़े से एरिया में इतना ज़्यादा जाम में फंसा हूँ। अब अल्लाह बेहतर जाने कि मसला क्या है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है भाई, गर्मी में ट्रैफिक जाम में फंसना बहुत मतलब क्या सरदर्दी होती है, तंग हो जाता है बंदा यार। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गांधीनगर, मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे, माउंट लेने हैं यार थोड़े से, तो देखते हैं क्या रहता है भाई, ट्रैफिक छोड़ेगा तो ही कहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ पे भाई प्रेस क्लब में कोई मसला है, पता नहीं क्या मसला है, पुलिस बहुत ज़्यादा जमा हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइम हमारे आगे है भाई नई वाली ब्रीज़ा, ये देख रहे हो, इसकी तो पूरी लुक ही चेंज कर दी हुई है, मुझे तो लगा ही नहीं कि ये ब्रीज़ा है यार। तो हमें मिले हैं यहाँ पे एक मस्त हैवी ड्राइवर, ओए होए होए क्या स्कूटी भगा रहे हैं भाई, ओए होए देख रहे हो, मैं एस्टिमेट 85 पे हूँ और ये भाई 85 से भी तेज चल रहे हैं। ओ भाई ओ शुर देख रहे हो भाई का लीन स्कूटी पे, मैं बाइक पे लीन करने से डरता हूँ, बाइक गार्ड का समझो बस, ये देख रहे हो, ओ भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, नाइस नाइस शो, आय हाय आय हाय, सांप बना दे नाजिम सांप, ओ भाई साहब, ओ भाई देख रहे हो चल रहा बंदा, अगर इस बंदे के पास बाइक हो ना ये नहीं मानता भाई, हॉर्न से हाथ उठा ही नहीं बंदे का, ओ भाई साहब क्या चल रहा है भाई क्या चल। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं खत्म, और उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अच्छे से और मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।